सबसे पहला मेरा प्रॉब्लम है कि भैया मेरे को कस्टमर तक पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूं। जब 50% लोग अमेजोन पे आके प्रोडक्ट को सर्च करें तो आई हैव नो अदर चॉइस बट आई नीड टू बी देयर एट अमेजोन। बट क्या अमेजोन के ऊपर मुझे सब कुछ डाल देना चाहिए? वहाँ पे मैं एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, यूएसपी नहीं बता सकता अपने प्रोडक्ट की, असिस्टेड एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। तो मार्केट प्लेसेस आर ओनली फॉर डिस्कवरी। एवरीबडी नीड टू अंडरस्टैंड हु आर इनटू डी2सी बिजनेस, मार्केट प्लेसेस आर नॉट फॉर बिल्डिंग ब्रांड्स, दे आर जस्ट फॉर डिस्कवरी। एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो 500 रुपये का मार्केट है, वहाँ पे 500 रुपये के ऊपर सामान बेचना इट्स अ नेक्स्ट नाइटमेयर। 500 रुपये का एक सामान है जो नो ब्रेनर के बिकता है, यानी इंपल्स बाइंग के अंदर बिकता है। तो आपके प्रोडक्ट्स को आपको वैसे मानना पड़ेगा कि भी 500 रुपये की ASP वाला जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट प्लेस पर निकल सकता है। तो आपको एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट 500 से 700 रुपये के ही रखने चाहिए जो डिस्कवरी में आपको हेल्प करे। वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा लेकिन आपकी एक्सेसिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। ये मान के चलना मार्केट प्लेस से आप पैसा कभी भी नहीं बना पाओगे, इट्स अ फैक्ट इन टुडेस। अच्छा, तो आप अगर सिर्फ अमेज़न पे सामान बेच रहे हो वो प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं? मैं बैठ लगा के बोल सकता हूँ। बट कैसे, अभी इतने लोग बोलते हैं कि यार हम ऐसे 5 करोड़ 10 करोड़ तक स्केल कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ से वो पैसे ही नहीं बना पा रहे हैं? जो भी जना मार्केट प्लेस फोकस्ड बिजनेस बना रहा है वो पैसे नहीं बना रहा, बट अगर मार्केट प्लेस पे डिस्कवरी करके वो अपनी वेबसाइट और अपना ओमनी चैनल बिल्डअप कर रहे हैं तो वो पैसे बना रहे हैं, क्योंकि डिस्कवरी वहाँ से हो रही है। एंड सिर्फ हम मार्केट प्लेस पे क्यों नहीं बना सकते पैसे? क्योंकि मार्केट प्लेस आपको बनाने ही नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे आपने बोला कि 500 रुपये का एवरेज प्रोडक्ट है, तो उसका अगर हम वो कॉस्ट को ब्रेक डाउन करें तो फिर कैसे बनता है वो? कॉस्ट जो आज के 5 साल पहले थी क्या आज वो सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि बढ़ गया ना सब कुछ कॉस्ट। कंपटीशन क्यों बढ़ गया? क्योंकि सारे ब्रांड्स वहाँ पे अमेज़न पे बेच रहे हैं। तो मार्केट प्लेस कभी भी आपको मोनोपोली बनाने देंगे? नहीं। आप किराएदारी हो ना उनके यहाँ? करेक्ट। जो ज़्यादा किराया देगा उसी को जगह देंगे ना? हाँ हाँ। उनके पास तो लिमिटेड जगह। नहीं, लिमिटेड तो नहीं है, ऑनलाइन तो आप कितना भी बेच सकते हो, बट ऑनलाइन आप कितना भी बेच सकते हो लेकिन जो आदमी खरीद रहा है ऑनलाइन वो कितना है? डिजिटल फर्स्ट बट वो भी तो बात करें, लोग बढ़ रहे ना, बहुत छोटा है, बहुत छोटा परसेंट है। आज भी अगर फैक्ट के हिसाब से निकालो ऑनलाइन स्पेस बढ़ रहा है लेकिन आज भी 95% मार्केट, नहीं तो एटलीस्ट 96% मार्केट आज भी ऑफलाइन है। अच्छा, ओके। 4 से 6% मार्केट ऑनलाइन है, वो 6% जनता के पीछे सब पड़े हुए हैं। हाँ, इसलिए कॉस्ट बढ़ रहा है। तो क्योंकि अगर आप 500 रुपये का प्रोडक्ट बना रहे हो तो मे बी आपको 100 रुपये वो एड्स वैड्स और वो सब चलाने में लग जाता है। कॉस्ट हो गया ना, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, RTOs हो गए। 100 रुपये के अंदर से जो भी जना मार्केट प्लेस में बेच रहा है कम से कम भी 50 से 60 रुपये मार्केट प्लेस ही लेके जाएगा आपसे। अच्छा, अब 40 रुपये आपके पास में आ रहे हैं, अगर उसमें आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट भी 40% है तो पैसा वैसे नहीं बना सकते, और उसमें भी ग्रॉस और नेट की बात कर लेते हैं। 100 रुपये में से 60 रुपये मार्केट प्लेस ले जाएगा? हाँ हाँ, मतलब मेजोरिटी पैसा मार्केट प्लेस ले गया। मैं क्या बता रहा हूँ, किसी का भी निकाल के देख लो PNL। अच्छा, तो इसीलिए आपने बोला कि जैसे कि अमेजोन या जो भी ये ई कॉमर्स है यहाँ पे आपने डिस्कवरी की एंड ब्रांड अवेयरनेस लोगों को, अवेयरनेस डिस्कवरी है बेसिकली। हाँ ठीक, उसका रोल ही वहीं पे। तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनको आपको बेचना ही मास्क के अंदर है, और उनको बास में बेचने का पर्पज मार्केट प्लेसेस से ही होगा क्योंकि 50% लोग ऑनलाइन में, जो 50% लोग हैं वहीं डिस्कवर कर। ठीक है। लेवल टू विच इज द मोस्ट क्रूशियल फॉर D2C ब्रांड्स व्हेन दे टॉक अबाउट देयर ओन वेबसाइट और देयर ओन चैनल्स। तो जब आपकी वेबसाइट पे कुछ USP नहीं तो आपकी वेबसाइट पे आके क्यों खरीदेगा आदमी? तो हमारे केस में वी हैव पोजिशन इट वेरी क्रिटिकली कि डिस्कवरी हमारी ऑनलाइन होती है वो रेडी टू बाय प्रोडक्ट्स के लिए, बट जो भी कस्टमाइजेशन, क्यूरेशन, कोलैबोरेशंस हैं जो दूसरे ब्रांड्स के साथ में हम कोलैबोरेट करते हैं, जहाँ पे हमारा ASP 1000 रुपये के आसपास है हमारी वेबसाइट के ऊपर, देयर वी बेसिकली आर क्रिएटिंग अ मोनोपोली कि 1000 रुपये की अगर सामने वाले का है कि भाई 1000 रुपये में बढ़िया से बढ़िया चीज़ चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चाहिए, तो उसके लिए सब कुछ हम नहीं कर सकते। तो वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद अदर ब्रांड, राखी हमारी है, ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट्स है, स्वीट्स है, तो वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद अदर ब्रांड्स जहाँ पे उनका अपना USP है। तो हमारी वेबसाइट एक्ट्स एज द प्लेस वेयर पीपल कैन हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ देयर इमोशन, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल असिस्टेंस, वो सब चीज़ें हमारे को हमारी किसी भी जने को हमारी वेबसाइट पर मिलती है। तो ये हमारा मिडिल स्पेस है विच इज़ द मोस्ट क्रूशल, और यहाँ पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप एक बढ़िया ब्रांड बना सकते हैं। ओके। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हमारे पास तो, हम तो प्रोडक्ट कंपनी है, हम तो अपने प्रोडक्ट बना ही रहे हैं, तो प्रोडक्ट लिंक सर्विस, गिफ्टिंग एज अ सर्विस वर्क्स एज द थर्ड कॉम्पोनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर आर बिजनेस। आज अगर आज मान लीजिए ITC को, 3M को, बड़े MNC से लेके दूसरे ब्रांड्स की भी बात कर ले जिनको प्रोडक्ट्स बनाना है, मर्चेंडाइज बनाना है, गिफ्टिंग बनाना है, तो इंडिकेट्स इज देयर फॉर देम। अच्छा, आप वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर आप कस्टम सॉल्यूशंस उनके लिए बनाते हैं। हाँ हाँ,
तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, प्रोडक्ट लिंक सर्विस और सर्विस लिंक प्रोडक्ट इज समथिंग विच इनेबल पीपल और बिजनेसेस टू सर्वाइव. सर्विस लिंक मतलब गिफ्टिंग है तो सर्विस कर रहा हूँ ना मैं आपके. अच्छा. लिए बना दूंगा, आप बोलिए. ओके. सर्विस ही है ना और क्या है. हाँ 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 हाँ. तो एक चीज़ ये समझ है कि अभी जो आपने जो पाए बताया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना वेबसाइट एंड देन ये सर्विस सर्विस वाला है, इसमें आपका पाई डिवाइडेड कैसे मतलब कितना इतना. हाँ, तो हम लोग का लगभग जब हम पहले काम कर रहे थे 2021 के आसपास तक, तो हम लोग का 90% बिजनेस इज मार्केट प्लेस ड्रिवन. अच्छा. एंड वी ग्रू रियली गुड. मतलब अगर हम लोग बात करें जो 2021 वाला कोविड ईयर था, वी वर एक्चुअली हैविंग रेवेन्यूज अराउंड 11 to 12 crore. ओके. बट वो कोविड की वजह से था ना, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट मार्केट. हमारे इन्वेंट्री हमने शॉर्ट करके रखी हुई थी, बहुत लेस ऑप्शंस अवेलेबल थे उस टाइम के अंदर. बट देन एवरीबडी जस्ट केम, और इनफैक्ट मार्केट प्लेसेस इन्वाइटेड एवरीबडी. उनके पास में जगह थी वहाँ पे 5 लोगों को बिठाने की, उन्होंने 50 लोगों को बिठा के लाके बिठा दिया अपने यहाँ पे. मार्केट प्लेसेस ऑल्सो मेड श्योर कि कोई भी जना जो सबसे टॉप पे वो हमेशा टॉप पे ना रहे, क्योंकि जब तक लोग आपस में फाइट नहीं करेंगे एडवर्टाइजिंग का पैसा कैसे बनेगा. बिल्कुल. एंड कोई एक टॉप पे बन गया तो उसका ब्रांड बन गया ना, वो फिर हाँ, वो तो राजा बनने की कोशिश करेगा. होता है वो उस लेवल पे भी होता है कि लाइक द बिजनेसेस आर सो बिग कि मार्केट प्लेस भी झुकते हैं वहाँ पे कि भाई हम आपको अपना मार्केट भाई मेरे पार मेरी वेबसाइट के ऊपर मोबाइल इतना बिकता है तो आपको मैं उतनी पोजीशनिंग देने के लिए तैयार हूँ. तो वो उस लेवल की डील है, दैट्स द नेक्स्ट लेवल डील.